परमात्मा का भाव आह्वान करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे अंदर वाले ज्योति को ज्योतित कर देना। भाइयों बहनों, हमारे जीवन में अज्ञान के अंधकार भरा हुआ है, अंदर की ज्योति यदि जागृत हो जाए तो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन से दूर हो जाए। यही भाव करते हुए सभी याजक साधक भाई बहन दोनों हाथ जोड़े यहाँ पर देव मंच। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वाचो ज्योतिर्वाच स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वाच स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः।
सुगंध होती है। गुरु नीरस नहीं, सरस होता है। गुरु मोहग्रस्त नहीं, अनुरागमय होता है। और गुरु बंधुओं कसौटी पर कसे तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपना, जो हम लोग सब बोलते हैं परम पूज्य गुरुदेव की जय, तो गुरुदेव नाम को उन्होंने सार्थक सिद्ध कर दिया। उनके अंदर देखा जाए तो सादा जीवन उच्च विचार, हम लोगों को तो पीले भी कपड़े पहना दिए, लेकिन एक किसान, एक सादा सात्विक ब्राह्मण जो होता है उस परिवेश में वो खादी के कुर्ता धोती मिले, कोई तिलक छापे नहीं लगाए, कोई जटाजूट नहीं बढ़ाई, कोई रुद्राक्ष की माला नहीं डाली। समस्त वसुधा को कुटुंबकम समझता हूँ, और यही बात है कि उन्होंने संस्थाना बना करके परिवार बनाया, और गायत्री परिवार के रक्षकर्ता, परिवार के संस्थापक, परिवार के निर्माणकर्ता, परम पूज्य गुरुदेव से हम आप जुड़ने जा रहे हैं, जुड़ चुके हैं। और जुड़ने का माध्यम होता है दीक्षा। दीक्षा किससे ली जाए? जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, जो सदगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे, सो साधन को सफल बनावे। सुमिरन करही तो रुचि बड़ भारी, सदगुरुओं का देश रहा है। यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, भगवान जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, महाराज पार्वती को भगवान शिव ने ज्ञान दिया, जो ज्ञान दे वह गुरु। और परम पूज्य गुरुदेव ने तो अज्ञान पर ही फरसा चला दिया, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान शस्त्र और शास्त्र को परम पूज्य गुरुदेव ने अपना आधार बनाया, और उन्होंने शास्त्र विद्या से आप सब साहित्य का अध्ययन कराए, इससे मस्तिष्क में जो कचरा भरा हुआ है वो कचरा दूर होगा, और हमको एक दिशा का बोध होगा कि हमारा जीवन हम कितना घटिया जी रहे हैं, कितना अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये साहित्य से पता चलेगा। तीसरी शर्त जो दीक्षा लेंगे उनको ये पूरी करना है कि आप समय दान करें। समय दान कहाँ करें? आपके भिलाई में। आप
अभिनंदन जरा जोर से करते करते यहाँ पर विराजमान हो गए हैं सभी नारी सशक्तिकरण वर्ष के अंतर्गत देवी स्वरूपा दीदी को प्रणाम करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाई श्री राम बोले परम पूज्य गुरुदेव की स्नेह श्रीला परम श्रद्धेय जी आप सबके मध्य में हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करके हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत के क्रम में श्रीमती किरण चतुर्वेदी जी से निवेदन है तिलक करके परम सम्मानी श्रद्धेया जी का स्वागत करें। करके हम सभी परम श्रद्धेया जी का स्वागत भिलाई के 151 कुंडली महायज्ञ में कर रहे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर शीतल भट्टा जी के स्वागत के लिए श्री राम स्वरूप साहू जी श्री मोहन उमरे जी जैसे निवेदन है यहाँ पर आप सबकी ओर से परम सम्मानित डॉक्टर साहब का स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही आदरणीय श्रीमती शेफाली पंड्या जी का स्वागत श्रीमती अनीता साहू जी श्रीमती प्रीति साहू जी हम सबके मध्य में परम श्रद्धेया जी का आगमन हुआ है। एक बार पूरा जोरदार कर्तव्य ध्वनि करके हम सभी पूरे पंडाल में कर्तव्य ध्वनि होनी चाहिए। आज के इस पावन दिवस पर हम सभी के मध्य में उनका आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का क्रम आप सभी भाई बहन 8 बजे यज्ञशाला में विराजमान हुए और जिन क्षणों की प्रतीक्षा थी वे क्षण पूर्ण हुए। संक्षिप्त सतगुरु ज्योति स्वरूप साधक सविता को अर्पण साधक का सविता को अर्पण शिष्यों का गुरु को दीपक का ज्योति को साधक का चंदा को दीपक का ज्योति को साधक का चंदा को चंदा को सागर को अर्पण समर्पण
जिसको भी हम आध्यात्मिक जगत की सिद्धियां बोलते हैं, अलौकिक जगत की, परोक्ष जगत की सिद्धियां कहकर के पुकारते हैं, वो विभूतियां, वो संपदाएं, वो ताकतें, वो सामर्थ्य व्यक्ति के हिस्से में आ पाते हैं। यदि व्यक्ति श्रद्धा से अपने अंतःकरण को सिद्ध कर पाता है, जो भी चमत्कार है वो घटित एक ही आधार पर है कि हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व के भीतर, हमारे मन के भीतर श्रद्धा का जन्म हो पाया कि नहीं। यदि श्रद्धा है तो फिर प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंभा फोड़ करके आना पड़ता है। श्रद्धा हो तो एक पत्थर की प्रतिमा को जीवित होना पड़ता है मीरा के पुकारने पर, और जीवित ही नहीं होना पड़ता है, सांप से अपने आप को डसवाना भी पड़ता है और जहर भी पीना पड़ता है। ये जो ताकत है वो मीरा की श्रद्धा से भरी पुकारी है, ये जो ताकत है वो प्रहलाद की श्रद्धा से भरी पुकारी है। एकलव्य की पुकार पर मिट्टी की मूर्ति द्रोणाचार्य बन जाती है, बनती ही नहीं, उनको धनुर्धरी का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना करके भी जाती है। इसमें द्रोणाचार्य का चमत्कार क्या था? कुछ भी नहीं, उनको तो ये पता भी नहीं था कि उनका एक शिष्य है जो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है। जो चमत्कार था वो एकलव्य की पुकार का था। हम लोग जब गायत्री मंत्र को बोले तो अपने अंतःकरण को इस आशय के साथ टटोले कि हमारे हृदय में उस श्रद्धा के भाव का जन्म हुआ कि नहीं। यदि श्रद्धा आती है तो व्यक्ति को दो विश्वास दे करके जाती है, आत्मविश्वास दे करके जाती है और ईश्वर विश्वास दे करके जाती है। जिसके पास अपने ऊपर भरोसा है वही भगवान के ऊपर भरोसा कर पाता है, और जो भगवान के ऊपर भरोसा करता है उसको अपने ऊपर भरोसा करने से कोई रोक नहीं पाता। व्यक्ति के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो विश्वास की ताकत है। यदि हमें हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं हो तो दूसरा हम पे कैसे भरोसा करने वाला है? कोई डॉक्टर यदि अपनी डॉक्टर के ऊपर भरोसा न करता हो तो उसके ऑपरेशन टेबल पर कौन जा करके बैठेगा? कोई ड्राइवर है उसको अपनी ड्राइविंग के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो उसकी गाड़ी में कौन चढ़ने वाला है? कोई टीचर है उसको अपनी टीचिंग पे भरोसा नहीं हो तो उसके पास पढ़ने कौन जाने वाला है? जाते उसी के पास है जिसको अपने ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा होता है, और जिसको इन दोनों के ऊपर भरोसा होता है उसी के ऊपर दुनिया को भरोसा होता है। एक कहानी है बहुत प्यारी, बड़ौदा के राजा थे, विवाह के तुरंत बाद घर को लौट रहे, भगवान के अनन्य भक्त थे, नवविवाहिता पत्नी साथ में थी। मार्ग में बड़ा भयंकर तूफान आया, जहाज हिचकोले खाने लगा। इतने ज्यादा संकट की घड़ी आई कि उसमें जो जहाज के कप्तान थे वो भी घबरा गए, उनने भी अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि आप में
पत्नी ने अपने पति को देखा तो देखा वो तो ध्यान में लगा के बैठे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको लगा कि इतनी गंभीर घड़ी में इनका मन कांप नहीं रहा है। उन्होंने अपने पति से पूछा, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं। बोले क्यों? तो पति ने अपनी तलवार निकाली और पत्नी के गर्दन पे रख दी। पत्नी बोली, आप इस घड़ी में मजाक कर रहे हैं, ये जहाज इसको देखा रहा है, जहाज का कप्तान जो है वो घोषणा कर रहा है, और आप ऐसी घड़ी में ये तलवार निकाल के मेरी गर्दन पे रख रहे हैं। बोले, आपको डर नहीं लग रहा है? बोले, मुझे क्यों डर लगेगा, आप मेरे पति। और बड़ौदा के राजा बोले, तो मुझे डर क्यों लगेगा, वो मेरा पिता। जहाज को डूबे देना जानता है, वो समुद्र को शांत करना भी जानता है। विश्वास व्यक्ति के मन के भीतर होना चाहिए। महाभारत में वो घटना तो हर एक को याद है, जब अर्जुन ने पानी की परछाई में देखकर एक चक्र में घूमती मछली की आंख के ऊपर निशाना लगाया, हर एक को पता है। और उस कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है। दूसरा हिस्सा यह है कि जब पांडवों ने खांडव प्रस्थ को बनाया तो कौरव भी वहां पर पहुंचे, सबको आमंत्रित किया गया था। और जब कौरव पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि अब अर्जुन की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, अर्जुन अब देखें कि तुम वैसे ही धनुर्धर अब भी हो कि नहीं, उतने ही बढ़िया योद्धा अब भी हो कि नहीं। उन्होंने कहा, चेक करिए। तो एक पानी के अंदर बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पे एक चक्र को बांधा गया और चक्र को पूरी गति के साथ घुमाया गया, उसमें से एक मछली को टांगा गया। और ये कहा उन्होंने कि आप पानी के अंदर परछाई देख करके उसके ऊपर निशाना लगाइए। सब कुछ वैसा ही था जैसा द्रोणाचार्य ने परीक्षा दी। एक काम पांडवों के विरुद्ध कौरवों ने क्या किया, उन्होंने पानी के अंदर लहरें पैदा कर दी। अब जब प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा तो निशाने कैसे लगाएंगे? अर्जुन ने घबरा करके भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने आकर के अर्जुन से कहा कि अर्जुन चिंता मत करो, अपनी एकाग्रता के ऊपर भरोसा करो, पूरा ध्यान लगा करके मछली के ऊपर निशाना लगाओ। तो अर्जुन बोले कि भगवान, ये काम तो मैं पहले ही करने वाला था, फिर मैंने आपको बुलाया क्यों? बोले, ये काम करना ही था तो मैंने आपको बुलाया क्यों? यदि ये सब कुछ मैं करूँगा तो आप क्या करेंगे? तो भगवान कृष्ण बोले, वो पानी की लहरें कौन शांत करेगा, पानी की लहरें तो नहीं शांत करने वाला। हमारा कार्य है कि हम पुरुषार्थ करें और भगवान का कार्य है कि वो राह आसान करें। जिसको ये विश्वास होता है वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में समग्रता के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो हम अपने ऊपर भरोसा करते हुए, माँ गायत्री के ऊपर भरोसा करते हुए, ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए, गुरुदेव माता जी के ऊपर भरोसा करते हुए स्थिर चित्त होकर, शांत मन होकर आज के इस पवित्र अवसर पर उन सारी देव शक्तियों का, ऋषि सत्ताओं का आह्वान करें जो हमें श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर के चले। इस भाव के साथ कि हमारे हर आयाम में, हर पहलू पर सम्मति हो, उत्कर्ष हो, इस प्रार्थना के साथ एक बार माँ गायत्री का पवन मंत्र साथ साथ कमर सीधी कर लें, उगते हुए सूर्य का ध्यान, सबका देवता को एक भावनी पुकार। ओ मित्रों, आज का दिन
जो लोग यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए बैठे हैं और वो सभी लोग जो दीक्षा का नवीनीकरण करने के लिए बैठे हैं, हम सब के लिए जो आज की सुबह है और आज का सूर्योदय है वो एक महत्वपूर्ण संदेश को लेकर के आया है। जब भी जीवन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटता है तो वो उनके जीवन में क्रांति को करके जाता है जो क्षणों के मूल्य को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। कभी कभी जीवन में घटनाएं बड़ी साधारण घटती हैं, सौभाग्य आता भी है, हमारे द्वार को खटखटाता भी और हमें पुकारता भी है, पर वो उन्हीं के जीवन में परिवर्तन को कर पाता है जो उन क्षणों के मूल्य को और महत्व को समझ पाने की स्थिति में होते हैं। नहीं तो घटनाएं घट भी जाती हैं पर मनुष्य के जीवन में किसी परिवर्तन को जन्म नहीं दे पाती। एक 12 साल का लड़का था, नाम था नारायण। उसके जीवन में बड़ी साधारण सी घटना घटी। विवाह करने के लिए गया, महाराष्ट्र का क्षेत्र था और जैसे ही विवाह करने के लिए खड़ा हुआ तो पीछे से विवाह कराने वाले पंडित ने जोर से बोला, सावधान, महाराष्ट्र में परंपरा है, आप विवाह करने के लिए जाएं तो वर वधु का जब लग्न करते हैं वो उनको बांधते हैं तो लग्न करते समय में पंडित बोलते हैं सावधान। जैसे ही बोला सावधान वैसे ही नारायण के हृदय में विचार आया, सावधान होने को क्यों कह रहे हैं। तुरंत उनके मन में आया मनुष्य का जीवन है न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद कर, इसके लक्ष्य का अनुसंधान करना तो अनिवार्य है। हम सोच करके देखें अपने आप से, मिला तो है, क्यों मिला, जा किधर को रहे, करना क्या है, ये विचार उसके हृदय में आया। और जैसे ही आया वैसे ही वो वहां से उठा, पंचवटी के पास टापली का जंगल था, वहां जाकर के बैठा। 12 वर्ष के बाद जब वो बालक उठा तो उसका नाम समर्थ गुरु रामदास हो गया। घटना इतनी घटी थी कि एक 12 साल के नौजवान को ये पुकार करके पंडित ने कहा था कि सावधान, न जाने कितनों को कहा होगा और न जाने कितनों ने सुना होगा। जब पुकारने वाले पंडित के हृदय में क्रांति हुई और न सुनने वाले वर वधु के जीवन में क्रांति हुई। घट तब पाती है जब उन घटनाओं के मूल्य को, अर्थ को, मर्म को, महत्व को समझ पाने की स्थिति में हमारी चेतना होती है। कृष्ण के पास गए, जाकर के बोले कि भगवान आपने गीता का पाठ दिया, तब हम लोग युद्ध के मैदान में थे, मेरा मन जो है विषाद से त्रस्त था, अशांत था, हो सकता है कि कुछ बातें मैं अच्छे से सुन न पाया, आप क्या दोबारा। और उनको लगा कि मैं इतने पास आया और यहाँ से भी खाली हाथ जा रहा हूँ, रो रहे थे, किसी ने सिर पे हाथ आकर के रखा, गुरुदेव बुला रहे हैं गुरुदेव के पास। अब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने कहा बेटा काम क्या करता है, तो और कुछ